पहले तो दहलीज नांगना कोई गलत बात नहीं है, दहलीज नांगेंगे तब तो आगे बढ़ेंगे ना, कुछ अच्छा करेगी ये कंफर्म है, क्योंकि मेरे संस्कार हैं उसके अंदर। तो ऐसा ही कुछ मेरा भी सपना था कि नहीं मुझे अच्छे से रहना है, घर को बचा के रखना, अपने फैमिली को टूटने नहीं देना है, दोनों का बराबर बराबर दोनों हाथ का ज़रूरत होता है। तो अगर एक हाथ कोई काम का ही ना हो तो फिर इंसान को देखिए 2012 से लेकर 2019 तक हम रहे अपने ससुराल में, शराब वराब ज़्यादा पीता था, बहुत गलत एब्यूज लैंग्वेज यूज करता था। मुझे लगा था कि मैं अपने मायके में 2-4-6 महीने रहूँगी तो शायद ये सुधर जाएंगे, लेकिन ठीक उसके विपरीत हो गया। तो फिर मेरे पापा ने भी डिसीजन लिया कि नहीं इसको खुद के पैर पे खड़ा करना है, और मेरा नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन करवा दिया है, कुछ ज़्यादा अच्छा करना है, अपनी बेटी को पढ़ाना है, अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, अच्छा परवरिश देना है, उसके हर छोटे बड़े इच्छाओं को पूरा करना है। तो फिर यहाँ चाय का स्टॉल लगाया तो यहाँ से सही चल रहा है, लेकिन अब इन बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अब हम बहुत आगे निकल चुके हैं, कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है। अरे पीठ पीछे तो लोग मोदी को भी गाली दे देते हैं। फादर से बहुत ज़्यादा नफरत, हद से ज़्यादा। आपका पति अगर सही है तो आपके लिए ससुराल परिवार सास देवर सब सही, अगर आपका पति गलत है तो आपको हर कोई गलत दृष्टि से देखेंगे, तो उसे बीवी बच्चा घर परिवार माँ बहन कुछ नहीं समझ में आता है, उसको सिर्फ शराब चाहिए होता है, अश्लीलता कमेंट में करता है। खुद उनकी माँ बहन लोग परेशान थी, सब लोग समझाते भी थे कि ऐसा क्यों करता है, लेकिन अब शराबी को कोई समझा नहीं सकता है। तो नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देसवा न्यूज। माँ जब जब मजबूर होती है तो क्रांति आता है, और एक बार फिर पटना में एक ऐसी ही क्रांति देखने को मिला, और एक माँ मजबूर होकर भागलपुर से पटना आ पहुँचती है क्योंकि उसके कंधे पर जिम्मेदारी होती है उसकी बेटी की, और पति जब साथ नहीं देता है तो माँ कितनी मजबूर हो जाती है। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी दर्द भरी कहानी जिसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसी भी कहानी दर्दनाक किसी की होती है, और एक माँ इतनी भी मजबूर हो जाती है कि अपनी घर की दहलीज लांघकर वो एक चाय का स्टॉल खोल लेती है और आ जाती है पटना के NIT कॉलेज के पास। तो इस वक्त हमारे साथ वो माँ है। हम आपको जानना चाहेंगे कि इतना क्या मजबूरी हो गया आपको कि आप अपना घर का दहलीज लांघकर पटना NIT कॉलेज के मेन गेट पर आ गए। सबसे पहले तो दहलीज नांगना कोई गलत बात नहीं है, दहलीज नांगेंगे तब तो आगे बढ़ेंगे ना। और आप किस दहलीज की बात कर रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा सा आप समझा दीजिए किस दहलीज की बात आप कर रहे हैं। घर की जो चौखट होती है, एक पत्नी एक का जिम्मेदारी का चौखट होता है, एक ससुराल का चौखट होता है। जो आपके पति घर का चौखट था, एक पत्नी का काम होता है अपने पति के घर को संभालना और उसे अच्छे से संवार के चलना, लेकिन आपके जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि आप अपने पति घर की दहलीज को लांघी और अपने बच्ची की भविष्य बनाने के लिए आपको ये चाय का दुकान खोलने पर मजबूर होना पड़ा? सबसे पहला काम तो होता है कि हाँ पति के मान सम्मान प्रतिष्ठा को बचाए रखना और एक अच्छी कुशल गृहिणी बनना। तो ऐसा ही कुछ मेरा भी सपना था कि नहीं मुझे अच्छे से रहना है, घर को बचा के रखना, अपने फैमिली को टूटने नहीं देना है, लेकिन कभी भी रोटी एक हाथ से नहीं बेरी जाती है, दोनों का बराबर बराबर दोनों हाथ का ज़रूरत होता है। तो अगर एक हाथ कोई काम का ही ना हो तो फिर इंसान को ऐसा क्या था कि एक हाथ काम का नहीं रहा और आपको घर से बाहर निकलना पड़ा, क्या बीता था आपकी ज़िंदगी में ऐसा? देखिए 2012 से लेकर 2019 तक हम रहे अपने ससुराल में, धीरे धीरे बेटी भी बड़ी होने लगी, शराब वराब ज़्यादा पीता था, बहुत गलत एब्यूज लैंग्वेज यूज करता था। तो बस मुझे लगा कि नहीं अब मुझे स्टैंड लेना है खुद के लिए, अपनी बेटी के लिए, तो इसलिए मैं आ गई। उसके बाद भी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं छोड़ दूंगी, ऐसा कुछ करूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं सोची थी। मुझे लगा था कि मैं अपने मायके में 2-4-6 महीने रहूंगी तो शायद ये सुधर जाएंगे, लेकिन ठीक उसके विपरीत हो गया कि और भी ज़्यादा बिगड़ गए। तो फिर मेरे पापा ने भी डिसीजन लिया कि नहीं इसको खुद के पैर पे खड़ा करना है, और मेरा नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन करवा दिया है। एडमिशन के दरमियान मैं हॉस्पिटल में काम करने लगी, लेकिन हॉस्पिटल में सैलरी उतनी अच्छी नहीं थी, सैलरी ठीक ठाक थी लेकिन बस घर किसी तरह चल सकता है, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा करना है, अपनी बेटी को पढ़ाना है, अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, अच्छा परवरिश देना है, उसके हर छोटे बड़े इच्छाओं को पूरा करना है। तो उसके लिए मुझे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी, तो ज़्यादा पैसे कहाँ से आएगी, लगाओ कि चलो खुद का काम शुरू करें। तो फिर यहाँ चाय का स्टॉल लगाया तो यहाँ से सही चल रहा है।
अच्छा, आपके पति के बारे में सुनने में आता है कि वो काफ़ी ज़्यादा शराब पीते थे और आपके साथ मारपीट बहुत ज़्यादा करते थे और आपके साथ में गलत व्यवहार करते थे, गाली गलौज से ज़्यादा आपको प्रताड़ना करते थे, तो इसमें कितनी सच्चाई है? 102% सच्चाई है, पूरी की पूरी सच्चाई ही सच्चाई है इसमें। खुद उनकी माँ बहन लोग परेशान थी, सब लोग समझाते भी थे कि ऐसा क्यों करता है, लेकिन अब शराबी को कोई समझा नहीं सकता है, तो जो भी हो बहुत गलत। आपका एक यूट्यूब चैनल भी है, जो भी चैनल आपका खबर चलाया है आगे भी उसके चैनल पे भी जाकर आपके पति पति की ओर से गलत कमेंट किया जाता है? कमेंट तो करता है, लेकिन जब कमेंट सेक्शन पे ही लोग उसे मतलब बोलना शुरू कर देते हैं कौन हो क्या हो, आओ सामने खड़े हो, तो कमेंट को डिलीट कर देता है। अश्लीलता कमेंट में करता है, झूठ मूठ का कुछ भी मेरे बारे में बोलता है, दर्शाता है, तो लेकिन अब इन बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अब हम बहुत आगे निकल चुके हैं, कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है। अरे पीठ पीछे तो लोग मोदी को भी गाली दे देते हैं, एक बात कह रही हूँ, तो सामने आके दिखाए, सामने आकर बोले तो फिर समझ में आए। आपका शादी कोर्ट के दहलीज तक पहुँचा था, कोर्ट की ओर से कुछ फैसला आया? अभी कोई फैसला वैसला नहीं आया है, लेकिन अब बहुत जल्दी जो भी होगा मैं आर पार कर दूंगी रिश्ते को, के साथ नहीं रहा जाता है। अब वो रह गई जानवर के साथ, 7 साल मैं तो बर्बाद हो गई थी, लेकिन कितने मुश्किल से मैंने खुद को स्टैंड किया वो मैं जान रही हूँ। अब मैं अपने खुद कुएं में कूदूँ जाके क्या? अच्छा, ऐसा कभी हुआ कि आपकी बच्ची के खातिर, क्योंकि एक आपसे आपके पति का रिश्ता ना रहा, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि आपके पति ने अपने बच्चे से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश किया? जिस इंसान का सिर्फ शराब से रिश्ता हो तो उसे बीवी बच्चा घर परिवार माँ बहन कुछ नहीं समझ में आता है, उसको सिर्फ शराब चाहिए होता है। जहाँ आपके लिए कुछ नहीं कि हमारे से मारपीट करता है, जहाँ जाता है सड़क पर मारपीट करने पर उतर जाता है, और मारपीट करने पर उतरता है मार खा के जाता है, मार खा के निकल लेता है। आपकी जो सास थी और आपके जो देवर थे वो आपका सपोर्ट करते हैं? हम उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि आपका पति अगर सही है तो आपके लिए ससुराल परिवार सास देवर सब सही है, अगर आपका पति गलत है तो आपको हर कोई गलत दृष्टि से देखेंगे, तो इसलिए सब वो गलत थे तो इसलिए सब मेरे साथ गलत था, अगर वो सही होते तो सब सही होता। अच्छा, कभी ऐसा कुछ हुआ कि आप यहाँ पे NIT कॉलेज के बाहर हैं, यहाँ पे लड़कों का संख्या ज़्यादा होता है, कभी कोई गलत नज़र से आपको देखे हों? अभी तक तो नहीं, और फ्यूचर में भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सब लोग ये एजुकेटेड एरिया है और सारे लोग यहाँ पे पढ़े लिखे हैं, सारे बच्चे पढ़े हैं, भाई है, सब जो भी है भाई जैसा है अपना, तो सब लोग दीदी दीदी ही कहते हैं। आगे भविष्य परिवार सा बन गया है NIT हमारा। आगे भविष्य में अपनी बच्ची को क्या बनाना चाहते हैं? मैं तो उसकी इच्छाएं हैं कि IAS वो बनना चाहते हैं, लेकिन अभी बच्ची इच्छा कब उसका चेंज हो जाए ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अब वो जो भी करेगी हम उसके साथ हैं, हर कंडीशन में कुछ भी करेंगे, झाड़ू पोछा भी लगा लेंगे रोड पर। हाँ, एक दिन कही थी, कोई कहा था कि ये देखो और आगे आगे क्या क्या करती है, चाय तक बेचने लगी, तो भाई हम कुछ भी करेंगे लेकिन हाँ उसके हर इच्छाओं को पूरा करेंगे। कभी ऐसा हुआ कि बच्ची ने अपने फादर को याद किया हो? हाँ, याद करती है ना, याद करती है बिल्कुल, मतलब वो याद नहीं करती, अगर बातों में नाम भी कहीं जिक्र भी आ जाता है तो वो गुस्सा करने लगती है कि ये सब जिक्र भी मत करो घर में, बहुत गुस्सा करती है, बहुत नफरत करती है वो उन लोगों से, फादर से बहुत ज़्यादा नफरत, हद से ज़्यादा। एक होता है हद में रह के नफरत करना, एक होता है हद से ज़्यादा नफरत करना, वो हद से ज़्यादा नफरत करती है। आगे डॉक्टर बनेगी या कलेक्टर बनेगी? ये तो अब वक्त बताएगा कि वो क्या बनेगी, अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ कि वो क्या बनेगी, लेकिन कुछ अच्छा करेगी ये कंफर्म है, क्योंकि मेरे संस्कार हैं उसके अंदर, जिसके अंदर जैसे संस्कार होते हैं वो वैसे ही करता है। जी हाँ, तो कौन सी क्लास में है अभी आपकी बच्ची? स्टैंडर्ड 3rd में है वो अभी, 3rd। स्कूल का नाम क्या है? और PCS पटना। जी हाँ, तो इस वक्त हमारे साथ माँ काली नर्सिंग चाय वाली है, आप उनका स्टॉल देख सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर बताऊं कि जब माँ मजबूर होती है और जब माँ मजबूर होकर दहलीज लांघती है तो कुछ करके दिखाती है, और यहाँ पे एक माँ अपने पैरों पर खड़े हुई है, और इसलिए खड़े हुई है क्योंकि उसके कंधों पर उनकी बच्ची की जिम्मेदारी है। तो मैं आपको बता दूं कि NIT कॉलेज जो है उसके बाहर में इनका स्टॉल लगता है, और यहीं पर ये
चाय और स्नैक्स वगैरह जो होते हैं उसको बेचती है और अपने बच्चे का और अपना भरण पोषण अच्छे से कर रही है, अपने पैरों पर खड़े होकर अपने बच्चे की भविष्य बनाने की तैयारी कर रही है। साफ तौर पे कहना है इस माँ का कि इनमें माँ का संस्कार है, बाप का नहीं। आगे चल के बच्ची कुछ ना कुछ जरूर बनकर दिखाएगी। फिलहाल देशवा न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।